साथियों, आज हम पूरे जुबलीज के आवाम साथ आकर यहाँ पर एसआर नगर पीएस पे राजा सिंह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बोल रहा उसके खिलाफ हम यहाँ पे कंप्लेंट दिए और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बोल के ये भी बताया। अभी सर्कल साहब से बात हुई और उनके ऊपर एफआईआर बुक करा अभी, और ये भी बताना चाह रहा हूँ मैं कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर आप अरेस्ट करें। कल छोड़ देते, परसों छोड़ देते, इस तरीके का नहीं होना। ऐसी चीज़ अगर होते रही तो फिर हर कोई अनाप शनाप उठ के बोलने लगेगा, फिर बात और बुरी हो जाएंगी। आप लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद के हालात को अगर आप लोग सही रखना चाह रहे हैं, आवाम को हम लोग कंट्रोल में रखते हुए हम कंप्लेंट करते हुए हम जो है सीधा चल रहे हैं, एकदम सही रास्ते पे हम लोग लेके चल रहे हैं। वरना अगर आप लोग इस तरीके से एक दो दिन में छोड़ देते जाएंगे, इससे पहले वो औरत नूपुर शर्मा भी इस तरीके की वाहियात बातें करी, अब ये राजा सिंह उठा, अब इसी तरीके से और कहीं उठते। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से मैं अपील कर रहा हूँ कि इसको सस्पेंड करो, एमएलएशिप से हटाओ इसको। ऐसे एमएलए अगर कोई भी उठ के कुछ भी बोलने लगेगा तो फिर हर कोई आके रोड पे चलने वाला भी आके एमएलए बन जाएगा और जो दिल में आया बोल दूंगा हमारे बारे में। क्या मुसलमान क्या इसलिए हैदराबाद इंडिया में कि जो है आप लोगों की हर बात सुन लेते रहे? तो आप लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है।